कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वेतन कटौती और पीएल का भुगतान स्थगित करने के मामले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने भी विरोध दर्ज करवाया है। चार चरणों में शिक्षक संगठन ने आंदोलन छेड़ा है। पहले चरण में उप शाखाओं पर ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में गिरवा और कुराबड़ उप शाखा पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही अगले चरण में काली पट्टी और मास्क पहनकर विरोध किया जाएगा। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री कार्यालय पर व्यक्तिगत ईमेल भेजते हुए इस निर्णय का विरोध किया जाएगा और चौथे चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभी हाल ही संगठन राज्य सरकार ने जो वेतन कटौती का निर्णय किया है और पीएल का भुगतान स्थगित करने का निर्णय किया है, इसके विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने पूरे राजस्थान में चार चरणों में राज्य सरकार को ये निर्णय वापस लेने के लिए आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें प्रथम चरण में आज पूरे राजस्थान की सभी उप शाखाओं पर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उसी क्रम में उदयपुर की नगर अब गिरवा और कुराबड़ उप शाखाओं ने के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपखंड अधिकारी गिरवा को ये ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मुख्यमंत्री अपने इस निर्णय को शीघ्र वापस लें, नहीं तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा।